goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। मैं हूं जिज्ञासा सिंह और आप देख रहे हैं goodmorningnews.in। कोरोना वायरस दौर के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी तो हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा बदले हालातों के बावजूद भी विश्व भर में न्यू इंडिया विजन की सार्थकता को देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह लॉकडाउन लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हुआ, अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से पटरी पर आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर वह अब भी 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को दृढ़ आशान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों का करारा जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें केवल सरकार का हर हाल में विरोध करना है इसलिए कुछ भी कह रहे हैं, वैक्सीन जब भी आएगी हर किसी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कोरोना के खतरे से सबसे नजदीक मौजूदा लोगों को शामिल किया जाएगा। इनमें से कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर शामिल होंगे। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं और अब भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में एग्रीकल्चर एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से और गाड़ियों की बिक्री में उछाल आया है। ईपीएफओ में ज्यादा लोगों का जुड़ना यह देखा जा रहा है कि नौकरियां में भी तेजी आई है। भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी की राह पर है। कृषि और श्रम क्षेत्र में सुधार पर उन्होंने कहा कि अब भारत की तरफ से वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा संकेत है। उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि नए श्रम कानून नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए बेहद उपयोगी कैसे हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर मजाक में कहा जाता है कि औपचारिक क्षेत्र में श्रम की तुलना में भारत में श्रम कानून अधिक है। अब बड़ा बदलाव हुआ है। कहा कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का केंद्र बनने की दिशा में तेज। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।